no one can hurt us. No one in this world can hurt us. People can say, कोई इंसान इस दुनिया का हमें हर्ट नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा दिल नहीं दुखा सकता. आप जानते हैं कि आपका दिल कौन दुखाता है? आपका दिल वो दुखाता है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है, और वो पता है कौन है? वो हैं हम खुद. लोग आपको चीट कर सकते हैं, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लोग आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लोग आपको मार भी सकते हैं. बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि घरों में वॉयलेंस होता है, डोमेस्टिक वॉयलेंस होता है, लोग मारते हैं अपने घरों में, बच्चों को भी मारते हैं, बीवियों को भी मारते हैं. कुछ बीवियाँ भी आपस की बात है, जानती हूँ मैं चंद एक ऐसी बीवियों को जो अपने हस्बैंड्स को मारती हैं. कैन यू बिलीव दैट? होता है, ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, हर किस्म के लोग होते हैं. तो अब प्लीज़ ख़वातीन परेशान ना हो जाएं और एकदम से मेरे पीछे नहीं पड़ना आप लोगों ने कि आपने औरतों के बारे में ऐसी बात क्यों की है. ऐसा होता है, ऐसी एग्जांपल्स भी होती हैं. ये सब काम हो सकते हैं, लोग आपको चीट कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको बुरी लगे, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं कर सकते. वो सिर्फ कह सकते हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर जो हर्ट क्रिएट होता है, यानी जो दुख हम दिल में क्रिएट करते हैं, उसका बायस हम खुद होते हैं. जैसा कि सुबह आप उठे, आपने बहुत मेहनत करके खाना बनाया, या आप किसी के घर मेहमान बन के गए, उन्होंने आपकी बहुत खातिरदारी की, आपको पसंद नहीं आया और आपने कुछ ख़ास तारीफ़ नहीं की, और आपने कहा हाँ ठीक था, मगर वो जिन्होंने दो दिन लगा के खाना तैयार किया, उनकी ये एक्सपेक्टेशंस हो गई आपसे कि आप वाह वाह अशश करेंगे, आप कहेंगे क्या कहने भाई, क्या खाना बनाए. लेकिन जब आपको आपके मुताबिक वो खाना उतना अच्छा नहीं था और आपने उसकी तारीफ उस तरह से नहीं की जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपने उनको हर्ट नहीं किया. उन्होंने ये सोच सोच के, क्योंकि वो मेहनत इसलिए कर रहे थे कि आप उनकी तारीफ़ करेंगे, और जब वो चीज़ उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी, आपने तारीफ़ नहीं की, तो जो हर्ट क्रिएट किया वो उनकी सोचों ने हर्ट क्रिएट किया. और वो हर्ट सिर्फ उस वक्त उस लम्हे के लिए क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को फ़ोन करने शुरू कर दिए, दोस्तों को फ़ोन शुरू कर दिए, अपनी माँ को फ़ोन किया, अपनी दोस्तों अपनी बहनों को फ़ोन किया. आप जानते हैं मैं दो दिनों से अपने उस रिश्तेदार के लिए खाना बना रही थी, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने शामी कबाब भी बनाए, पुलाव भी बनाया, आलू गोश भी बनाया, कितना अच्छा मेन्यू मैंने आपको बता दिया ये सब कुछ बनाया, लेकिन मजाल है उनके मुंह से कोई एक तारीफ निकली और कोई तारीफ ही नहीं की उन्होंने. सो दिस इज हाउ दे क्रिएटेड हर्ट फॉर देमसेल्व्स. हम जब लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं, हम लोगों के लिए करते ही सब कुछ इसलिए हैं, तब करते हैं कि इसलिए करते हैं कि बस हमारी तारीफ हो. So when we start doing things for others, हम hurt create करते हैं. हम किसी के लिए, हम किसी function में गए और हमने तकरीबन कोई एक महीना, आपको पता ना शादियों पे की preparation के लिए एक महीना पहले तैयारी शुरू हो जाती है. एक महीना पहले आपने तैयारी करनी शुरू की और आप इस expectations के साथ उस शादी में गए कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ कदम रखूँगी, और लोग कहेंगे अरे भाई वाह रूज, आज तो आप इतनी हसीन लग रही हैं, आपके अलावा तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा. और आप ये सब कुछ इमेजिन करके गए कि बस आज तो वाह वाह अश अश हो जाएगी. बट आप जब वहाँ गए तो लोगों ने आपको देखा और आपकी तारीफ़ नहीं की. आप उनको नहीं अच्छे लग रहे होंगे, या वो ये सोच रहे होंगे कि वो खुद उन आपसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने आपकी तारीफ़ नहीं की. तो अगर उन्होंने आपकी तारीफ़ नहीं की तो आप हो गए हर्ट. अब वो हर्ट किसने किया? उनकी ना तारीफ़ करने ने हर्ट किया,
या क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, या आपने वो हर्ट खुद से क्रिएट किया क्योंकि आप तो ये सोच रहे थे कि आपकी तारीफ होगी. सो दिस इज व्हाट, एंड दिस डजंट स्टॉप हियर, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है बात, यहाँ से बात का आगाज़ होता है और उसके बाद फिर हम सोच सोच के एक मिनट में हम तकरीबन कोई 25 डिफरेंट थॉट्स क्रिएट करते हैं. वी क्रिएट, आवर माइंड्स क्रिएट 25 थॉट्स इन वन मिनट. एक मिनट में 25 थॉट हमने क्रिएट किए, यानी 50 थॉट्स हमने क्रिएट किए सिर्फ दो मिनट के अंदर, और हमने सोच सोच के हल्कान कर लिया अपने आप को कि मैंने इतनी तैयारी की थी, मैं इतना तैयार हो के आई और उन्होंने मेरी तारीफ ही नहीं की. तारीफ़ नहीं की कोई मसला नहीं, मगर एक बात ये नहीं कहनी आप लोगों ने कि उनकी वजह से मैं हर्ट हुई हूँ या उन्होंने मुझे हर्ट किया है. नो, आप यकीन करें जब आप एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करते हैं ना लोगों से, दुनिया से जब अपनी उम्मीदें ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह की ज़ात आपको बुलंद करना शुरू करता है. एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने से क्या होता है, आई टेल यू. एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने से होता ये है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो तीसरा अशरा किसका होता है, तीसरा अशरा होता है निजात का. जब आप अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करते हैं, पता होता क्या है, आपको इस दुनिया के झंझट से निजात मिल जाती है. और ये निजात ही तो है जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. हम क्यों सच्चों के साथ चलना चाहते हैं, हम क्यों हक वालों के साथ खड़े होते हैं, हम क्यों हक का परचम बुलंद करते हैं, हम क्यों हक और बातिल की जंग में रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमें निजात चाहिए इस दुनिया और इस दुनिया के झमेलों से. और हम लोगों से एक्सपेक्ट कर करके इस दलदल में फंसते चले जाते हैं जिससे निजात नहीं मिलती. तो याद रखें, लोग आपको हर्ट अपनी ज़बान से कर सकते हैं, लोग आपको हर्ट अपने रवैये से कर सकते हैं, आपको कोशिश कर सकते हैं कि वो आपको हर्ट कर सकें अपने अल्फाज से, आपको धोखा देके, आपको चीट करके, आपके साथ झूठ बोल के, आपकी चोरी करके आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. दे कैन डू ओनली दैट, बट उसके बाद ज़्यादा ज़ोर से लग गया, उसके बाद आपने उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से सोचना है. मैं क्या करती हूँ, आई विल टेल यू. मेरे साथ ज़िंदगी में बड़ी दुनिया ने धोखे दिए, मेरे साथ ज़िंदगी में इस दुनिया में बड़े लोगों ने ग़लत कलामी की, ग़लत गुफ्तगू की, ग़लत बातें की, मुझे बुरा भला कहा, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके, दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. पहली बात तो ये कि कोई एक दो तीन चार लोगों ने अगर कुछ ऐसा गलत किया तो उन चार लोगों या पांच लोगों की वजह से मैंने अपने आप को हर्ट नहीं करना. मैंने उन चार या पांच बुरे लोगों की वजह से हर किसी को दुनिया में बुरा नहीं समझना. वो चार और पांच लोगों की बुराई की वजह से कई दफ़ा, या किसी एक शख्स की बुराई की वजह से हम अक्सर क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं. ऐसे नहीं हो सकता. एक शख्स बुरा हो सकता है, दो बुरा हो सकता है, तीन लोग बुरा कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सारी दुनिया के ऊपर आप एतबार करना छोड़ दें. इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और अगर आप लोगों पे एतबार नहीं करेंगे तो आप किस तरह से इस दुनिया और ज़िंदगी को और गुजारें. और याद रखें, जब कभी कोई आपको धोखा देता है, जब कभी कोई आपको चीट करता है, जब कभी कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यकीन करें आपको नुकसान नहीं पहुंचता. ये यकीन और ईमान होना चाहिए. तो जिसने आपका नुकसान किया उसने आपका नुकसान नहीं किया, उसने अपना नुकसान किया,
और जो अपना नुकसान करता है इंसान, जाहिर है वो अपना नुकसान करता है, उसके लिए आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। सो मेरे साथ अगर किसी ने कभी बुरा किया, एक तो उस बंदे की बुराई की वजह से मैंने किसी और के ऊपर मिसट्रस्ट नहीं किया, और दूसरा अगर किसी शख्स ने मेरे साथ बुरा किया तो उसकी वजह से मैं रोने पिटने नहीं बैठ गई। आई टॉक वंस एंड फॉर ऑल, आई डू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बट मैं हर रोज़ हर किसी के साथ बैठ के बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। आई बिलीव द मोर यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, द आप जितना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हो उतनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। वो अपना जो रिएक्शन है या जो अपनी नेगेटिविटी है या जो अपना रोब है या जो अपनी कोई जो भी नेगेटिव बिहेवियर है वो बाहर आपके बाहर कर सकते हैं, ओनली आउटसाइड। वट एवर इन उसके रिएक्शन में जो कुछ भी क्रिएट करेंगे वो आप खुद क्रिएट करेंगे। इसलिए अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में लें। जब आप अपनी ज़ात को, अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में लें, एंड रिमेंबर वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस। हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में निजात चाहिए। वो किसी को जलील कर रहे होते हैं ना, आप सोचें कि उनकी सोच का लेवल क्या होगा। नाउ टूवर्ड्स द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ज़िंदगी में हम हमें लोग हर्ट कर सकते हैं, लोग हमें परेशान कर सकते हैं, लोग हमें अब्यूज़ कर सकते हैं, लोग हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर सकते हैं, मगर जो हर्ट क्रिएट होगा, वो हम खुद अपनी ज़िंदगी में करेंगे। सो लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स दैट पीपल कैन से व्हाटएवर दे वांट टू से, पीपल कैन बी डोमिनेटिंग, पीपल कैन बी कंट्रोलिंग, पीपल कैन बी डिसरिस्पेक्टफुल। ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे खाए, मगर धोखे खाने के बाद सारी दुनिया मुझे धोखेबाज नहीं लगी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई नज़र आई, चाहे वो लोग थे, चाहे सिचुएशंस थी, मुझे सब खूबसूरत नज़र आता है। मुझे लोग धोखा दे के चले जाते हैं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं मैं उनके ऊपर कभी भी उनके ऊपर नहीं करती, मुझे उन पे और यकीन होता है कि नहीं, अल्लाह धोखा देने वालों को मुझसे काट के पीछे फेंक देता है और अल्लाह ने मेरे इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखा हुआ है। बिकॉज़ व्हाट यू थिंक is exactly what happens and I experienced that. Thank you so much. Apna bahut khayal rakhiye aur ek word kijiye, koi mushkil ho, koi pareshani ho, koi hurt kar jaye, kuch bhi ho, sirf darood bhejiye, salam bhejiye Muhammad wale Muhammad pe. Kyun? Kyunki uske badle mein jab aap kisi ko salam karte hain to uske badle mein jawab mein hamesha ye wajib hai ki jawab aaye, aur jab hum सलाम भेजेंगे, दरूद भेजेंगे आका पर और उनकी आल पर, तो आप ये सोचिए कि वहाँ से जब दरूद आएगा, वापस आएगा और सलाम आएगा, तो सोचिए कि हमारी ज़िंदगियाँ कितनी खूबसूरत हो जाएंगी। कुछ भी किसी की कही हुई बात हमें कोई हर्ट नहीं करेगी, कोई परेशानी नहीं देगी, और आसानी ही आसानी और खूबसूरती ही खूबसूरती होगी। मेरी दुआ है कि आप जब देखें तो आपको खूबसूरती नज़र आए, जब देखें आपको खुशियाँ नज़र आएँ, आप जब अपनी नज़र उठाकर देखें आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में, ज़िंदगी में आसानियाँ नज़र आएँ, आपको किसी की बुराई नज़र ना आए, आपकी नज़र ही सिर्फ़ लोगों की अच्छाइयों पर और आपकी आसानियों के ऊपर पड़े इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, और दुआओं में मुझे याद रखिए। और अगर किसी ने आपको लगता है कि आपको हर्ट किया है, तो जस्ट करेक्ट वन थिंग हियर कि किसी ने आपको हर्ट नहीं किया, आपने खुद हर्ट क्रिएट किया, और उस क्रिएट किए हुए हर्ट को अंडू कौन करेगा? आप खुद करेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ ईजी दिस लाइफ इज़।
Nobody can create hurt. Nobody can create any problems for you. Only you can create hurt for yourself. So undo that, उसको ख़त्म कीजिए और अपनी ज़िंदगी को ऐसी खुशी enjoy कीजिए. मेरे साथ जिसने जो बुरा किया, जिसने जो मुझे बुरा भला कहा और कह रहे हैं, मैं उनके आने वाले जो जो भी बातें हैं, जो कहने वाली अभी आने वाले वक्त में भी जो बोलेंगे, मैं उनके लिए भी उसको माफ़ करती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे आका का फरमान है कि जिस तरह से तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ करे, तुम लोगों को माफ़ करो. तो मैंने सबको माफ़ किया. सो बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखिए.